हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग मैगी बनाते हैं। मैगी बहुत ही परफेक्ट बनने वाली। हमने एक टमाटर को रफली काट लिया है, एक शिमला मिर्च को काट लिया है, एक मीडियम साइज़ के प्याज को काट लिया है, पांच छह लहसुन की कलियां काट लिया है, और हमने दो मीडियम साइज़ के मिर्च काट लिया, हरी धनिया को हमने काट लिया है। मैगी की पैकेट से मैगी निकाल लेते हैं। हम चार पैकेटों का मैगी बनाने वाले हैं। जो मैगी मसाला है इसको हम अलग निकाल लेते हैं। ये मैगी बहुत ही परफेक्ट बनने वाली है। हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है, तेल हमारा गर्म हो रहा है। अब हम एक चम्मच इसमें जीरा डाल देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जो हमने कटा हुआ लहसुन था इसको डाल देते हैं। कटी हुई प्याज को हल्का गुलाबी होने तक पकाएंगे। जो हरा मिर्चा काट कर रखा था इसको डाल देते हैं। शिमला मिर्च को हम डालकर पका लेते हैं। टमाटर को डाल देते हैं इसी में। सभी सब्जियों को हम अच्छे से 5 मिनट तक मीडियम आंच पर हम पकाएंगे ढककर। सब्जियां हमारी 50% पक चुकी हैं। अब हम इसमें मसाला ऐड कर देते हैं। एक चम्मच नमक स्वाद के अनुसार हम डाल देते हैं। नमक अपने अनुसार कर सकते हैं। जो मैगी मसाला था इसको हम डाल देते हैं। एक चम्मच सौंफ का पाउडर डाल देते हैं। दो चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं। एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। एक चौथाई चम्मच मिर्च डाल देते हैं। इन मसालों को डालकर अच्छे से हम पका लेते हैं मीडियम आंच पर। अब हम 1.5 गिलास के लगभग पानी डाल देते हैं। पानी को मसालों में अच्छे से मिक्स करके हम उबाल आने तक पकाएंगे। लगभग 1 मिनट तक हम पकाएंगे। ये पानी हमारा पक चुका है। अब हम इसमें मैगी डाल देते हैं। मैगी डालकर हम इसको में पका लेंगे। इसको थोड़ा सा अच्छे से हम डुबो देते हैं। अब हम इसे मीडियम आंच पर लगभग 5 मिनट तो 5 मिनट बाद हमारी मैगी कितनी बढ़िया खिली खिली सी बनी हुई है। अब इसमें हम आमचूर पाउडर डाल देते हैं। इससे बहुत चटपटा स्वाद आएगा, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट रहता है दोस्तों। अब हमने जो कटी हुई धनिया रखा था इसको डाल देते हैं। दोस्तों, अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। कितनी बढ़िया सी मैगी बनी हुई है, आप ज़रूर हमारी तरह बना कर देखिए। बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंस्टेंट बनती है।